मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना काल में केंद्र सरकार के काम की सराहना की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट तो जरूर आया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दौरान काफी अच्छे से काम किया है और टीकाकरण अभियान में भी तेजी देखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी टीकाकरण बाकी देशों से ज्यादा रहा है। बिहार में भी टीकाकरण अभियान में काफी तेज गति से हुआ है। कोई चाहेगा कि बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन अब बढ़ नहीं रहा, अब बढ़ नहीं रहा। हमने लोगों को भी कह दिया कि यहाँ भी देखिए कि हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये भी हमने सभी लोगों को, सरकार के जितने हमारे अधिकारी हैं, सब लोगों का है कि इसको देख लीजिए, जो भी कर सकते हैं इसमें सहयोग उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरह जान रहे हैं ना कि भाई जितना होना चाहिए। अब देखिए, एक बात तो आप देख रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ तो किसी के भी जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं दे रहे हैं, और जो जरूरी चीज़ है उसके लिए आपदा प्रबंधन का काम, ये सब काम तेजी से, और बहुत सारे काम को, विकास के काम को भी हम लोग शुरुआत करा के करने। वहीं जातीय जनगणना मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में काफी संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और ये देश हित में है। जो आप ही लोगों के मीडिया के थ्रू जो खबर आती है वो तो आ ही रही है ना, सब जगह लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है ये देश के हित में है। ये हो जाएगा तो सबको लाभ मिलेगा, और जो कुछ भी एक समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में है जिनको आगे निकालना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में ऐसा ही होने पर जानकारी मिलेगी। लोगों के लिए काम करना हम लोग तो ही बार बार यही कहते हैं, और इसमें कोई मैंने किसी प्रकार का, कुछ लोग इसके खिलाफ जरूर बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समाज को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने के लिए।